हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। कल हमने पढ़ा था कि जो हमारा सस्पेंशन इंसुलेटर होता है उसकी जो स्ट्रिंग होती है, ठीक, स्ट्रिंग क्या होती है, कई सारे डिस्क जो हैं सीरीज में मेटल लिंक द्वारा जुड़ते हैं, तो ये अरेंजमेंट बनता है, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो स्ट्रिंग पर जो पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वोल्टेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनइक्वल होता है, ठीक ठीक है। वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अनइक्वल होता है, एक समान नहीं होता सारे डिस्क पर, क्या है, हालांकि डिस्क का सारे डिस्क का साइज सेम होता है, ठीक, सेम साइज़ के डिस्क होती हैं, लेकिन उन पर क्या है, वोल्टेज जो है डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं रहता, वो अलग अलग होता है। वो हमने देखा था कि क्यों होता है, एक होती है हमारी जो हमारी डिस्क होती हैं मेटल, उनकी वजह से जो, क्योंकि डिस्क मेटल लिंक के बीच में होती है, तो उनकी वजह से क्या होता है, एक कैपेसिटर का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं हम म्यूचुअल या सेल्फ कैपेसिटर। एक होता है हमारा मेटल लिंक और टॉवर के बीच एयर होती है, ठीक, उसके कारण जो हमारा कैपेसिटर बनता है उसको बोलते हैं हम शंट कैपेसिटर। तो वो जो शंट कैपेसिटर था उसकी वजह से डिस्क पर जो है वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन असमान हो जाता है, ठीक है, सेम नहीं रहता है, जिसकी वजह से हमारी क्या है, कई सारे डिसएडवांटेज हैं जिसके, क्योंकि कंडक्टर के जो पास वाला होता है जो डिस्क होती है उस पर बहुत ज़्यादा वोल्टेज होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा उसी पर होता है, जिससे क्या है उसके पंचर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फिर जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं हमारा क्या है, वोल्टेज कम होता जाता है, सबसे कंडक्टर के पास वाली डिस्क पर सबसे ज़्यादा वोल्टेज रहता है, उससे ऊपर वाली में उससे कम, फिर सबसे ऊपर वाली में सबसे कम रहता है, जिसकी वजह से हमारा बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं, और हमारी क्या है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी ख़राब हो जाती है। तो हमने स्ट्रिंग एफिशिएंसी पढ़ी थी, स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस, मतलब टोटल वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का टोटल वोल्टेज मतलब कंडक्टर और टॉवर के बीच का जो टोटल वोल्टेज होता है, ठीक है, वो अपॉन एन, एन मतलब स्ट्रिंग में कितनी हमारी डिस्क जुड़ी है सीरीज में, नंबर ऑफ डिस्क इंटू वी थ्री, वी थ्री यहाँ पर क्या है हमारा, जो कंडक्टर के पास वाली डिस्क है उसके अक्रॉस वोल्टेज, ठीक ठीक। तो ये हमने पढ़ा था स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला। अब क्या देखो, जो कंडक्टर के पास वाली डिस्क है, देखो भाई ये तो सेम, ये तो हमारा जो ये तो सेम रहेगा पूरी स्ट्रिंग के अक्रॉस वोल्टेज, ये तो हमारा है बी है, बी है, ये तो हमने मान लिया, ठीक है, ये तो एक ही वोल्टेज है, लेकिन जो वोल्टेज के अक्रॉस इंडिविजुअल जो वोल्टेज होता है वो हमारा स्ट्रिंग के अक्रॉस वो बदल जाता है। अब क्योंकि कंडक्टर के पास वाला वोल्टेज बी थ्री है, कंडक्टर के पास वाली डिस्क पर वोल्टेज बी थ्री है, तो ये क्या सबसे अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है हमारा, देखो स्ट्रिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है, भाई ये अधिक हो जाएगा जाहिर सी बात है स्ट्रिंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ठीक। तो अगर ये वोल्टेज हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता लगभग, तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, ये कम नहीं होते, ठीक। तो हमने देखा था कि कंडक्टर के पास वाली डिस्क पर वोल्टेज मैक्सिमम होता है, और स्ट्रिंग के अक्रॉस टोटल वोल्टेज होता है उसको वो फेज वोल्टेज होता है, ये जो वोल्टेज होता है वो फेज होता है, क्यों, क्योंकि ये कंडक्टर और अर्थ के बीच का वोल्टेज होता है, क्योंकि टॉवर क्या अर्थ से कनेक्ट है, तो कंडक्टर और अर्थ के बीच का वोल्टेज होता है ये, ठीक। वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग क्या होता है, वोल्टेज बिटवीन लाइन, मतलब लाइन कंडक्टर एंड टॉवर जो अर्थ है, ठीक, तो इसलिए ये फेज वोल्टेज कहलाता है, ठीक, जो स्ट्रिंग के अक्रॉस वोल्टेज होता है। और जो लाइन वोल्टेज हम निकालते हैं स्ट्रिंग का, वो क्या होता है, अंडर रूट थ्री इंटू वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग, मतलब फेज वोल्टेज, क्योंकि लाइन वोल्टेज का फॉर्मूला होता है ना, लाइन वोल्टेज इक्वल टू अंडर रूट थ्री इंटू फेज वोल्टेज, और फेज वोल्टेज यहाँ पे क्या है, वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग, ठीक। तो ये हमने लाइन वोल्टेज निकाल लिया, ठीक, स्ट्रिंग का जो वोल्टेज है उसका लाइन वोल्टेज, ठीक। अब हम देखेंगे, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे यहाँ पे मेथड ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रिंग एफिशिएंसी। अब देखो, हमने देखा था कि भाई वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रिंग पर क्या है, प्रत्येक डिस्क पर असमान था, तो जिससे हमारी इफ़िशेंसी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो उसको इफ़िशेंसी को इम्प्रूव करने के कौन कौन से मेथड हैं, हम कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं थोड़ा कि क्या है ये, क्या मामला है ये। हमने देखा कि स्ट्रिंग की प्रत्येक डिस्क पर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन समान नहीं है, ठीक है, क्या है, हमने क्या देखा था अभी इससे पहले, हमने देखा कि स्ट्रिंग के प्रत्येक डिस्क पर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन समान नहीं है, ठीक, समान नहीं है। लाइन कंडक्टर के पास वाली डिस्क पर वोल्टेज मैक्सिमम है, हमने देखा था जो लाइन कंडक्टर के पास वाली डिस्क थी उस पर मैक्सिमम वोल्टेज था, जिसे बी थ्री बोल रहे थे हम,
तथा सबसे ऊपर वाली डिस्क पर वोल्टेज मिनिमम है। जो सबसे ऊपर वाली टॉवर के पास वाली डिस्क थी, जो सबसे लास्ट वाली, उस पर सबसे मिनिमम वोल्टेज था थी, तो क्या ये असमान डिस्ट्रीब्यूशन था वोल्टेज का? अगर कंडक्टर के पास वाली डिस्क का ब्रेकडाउन हो गया, मतलब वह पंचर हो गया, ख़राब हो गई वो, उसका ब्रेकडाउन हो गया, तो बाकी बची डिस्क का भी क्रम से ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक, अगर क्या कंडक्टर के पास वाली डिस्क जो है वो पंचर हो गई, उसका ब्रेकडाउन हो गया, ठीक, अब क्या है, अब कंडक्टर के पास वाली डिस्क ख़राब हो गई, अब कोई इंसुलेशन नहीं रहा, अब केवल ऊपर की दो डिस्क रह गई, ठीक, तो उनका भी क्या होगा, तो बाकी बची डिस्क का भी क्रम से ब्रेकडाउन हो जाएगा, वह भी क्रम से ख़राब हो जाएंगी, जाहिर सी बात है। ठीक, इसलिए यह ज़रूरी है कि प्रत्येक डिस्क पर वोल्टेज लगभग लगभग सेम हो। ठीक है, इसलिए यह ज़रूरी है कि प्रत्येक डिस्क पर वोल्टेज लगभग सेम हो या समान हो, जिससे स्ट्रिंग की इफ़िशेंसी इम्प्रूव हो जाएगी। अब क्या था भाई, स्ट्रिंग इफ़िशेंसी का फॉर्मूला क्या था, ईटा इक्वल टू ईटा टी इक्वल टू बी अपॉन एन इंटू वी थ्री। तो ये बी थ्री क्या है भाई, ये बहुत अधिक है, ये बी थ्री क्या है, जो स्ट्रिंग जो कंडक्टर के पास वाली डिस्क थी उसका वोल्टेज है, तो ये सबसे मैक्सिमम है, ठीक, सबसे अधिक है। अब ये भी सबसे अधिक है, बाकी सारे क्या हैं, बाकी सारे कम हैं, तो क्या है, इससे क्या होगी, हमारी इफ़िशेंसी कम हो जाएगी ना, ये इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है ना, जिससे इफ़िशेंसी कम हो जाती है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए यह ज़रूरी है कि हर एक डिस्क पर वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन लगभग सेम हो। ठीक है, इसलिए, और इससे क्या है, ये फ़ायदा भी होगा कि ब्रेकडाउन नहीं होगा डिस्क का, ठीक ठीक है, लगभग सब पर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा, तो नीचे वाली डिस्क जो है, जो कंडक्टर के पास वाली डिस्क है, उस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहेगा, ज़्यादा वोल्टेज नहीं रहेगा, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा उस पर, वोल्टेज को टेंशन भी बोलते हैं, ठीक ठीक है, जिससे प्रत्येक डिस्क पर वोल्टेज लगभग, इसलिए यह ज़रूरी है कि प्रत्येक डिस्क पर वोल्टेज लगभग सेम हो, जिससे स्ट्रिंग एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक, तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए यह ज़रूरी है कि प्रत्येक डिस्क पर वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा लगभग सेम हो। ठीक, तो ये देख लीजिए ज़रा कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी को हम क्यों ज़रूरी है, ठीक, क्यों करते हैं इसको ज़रूरी, और इसको हम कैसे, मतलब स्ट्रिंग एफिशिएंसी का को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये हमने बताया कि इसको, कि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन प्रत्येक डिस्क पर अगर सेम है तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी हमारी बढ़ सकती है, ठीक है, इम्प्रूव हो सकती है। ठीक, अब हम देखेंगे इसके मेथड, कितने मेथड हैं स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के, कितने मेथड हैं। ठीक, तो पहला मेथड है हमारा वाई यूजिंग लॉन्गर क्रॉस आर्म। ठीक है, लॉन्गर क्रॉस आर्म, क्रॉस आर्म मैंने बताया था आप सब लोगों को, क्या होता है, खंबा होता है, जो खंबे के साइड से होती है, जो जिससे इंसुलेटर जुड़े रहते हैं, जो लटकते हैं जिस पर, वो क्रॉस आर्म होती है। ठीक, ये हमारा क्या पोल है, ये पोल है, ये टॉवर है। ठीक, ये टॉवर या पोल है, और ये क्या होता है, ये जिस पर हमारे इंसुलेटर लटकते हैं, ये स्ट्रिंग जिस पर लटक रही है, ये हमारी क्रॉस आर्म कहलाती है। ठीक है, इसी पर हमारी स्ट्रिंग लटकी रहती है ये, और ये हमारे लाइन कंडक्टर जाता है इस तरीके से। ठीक, ये हमने इस यहाँ पर हमने क्या है, प्रत्येक डिस्क दिखा दिए, कैपेसिटर नहीं दिखाया, और यहाँ पर हमने ये शंट कैपेसिटर दिखा दिए हैं। ठीक है, ठीक, आई होप इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। अब क्या है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने का सबसे पहला मेथड है बाय यूजिंग लॉन्गर क्रॉस आर्म। बात समझ में आ गई, ठीक, चलो तो देखते हैं ये क्या होता है। स्ट्रिंग एफिशिएंसी की वैल्यू केस कल टू सी डैश अपॉन सी पर डिपेंड करती है। ठीक भाई, स्ट्रिंग एफिशिएंसी, जाहिर सी बात है, जो हमारी वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, चलो अभी आगे बताता हूँ। वो स्ट्रिंग एफिशिएंसी की वैल्यू के इक्वल टू सी डैश अपॉन सी पर डिपेंड करती है। के का मान जितना कम होगा, संट कैपेसिटेंस भी कम होगा। बात समझ में आ गई, के का मान जितना कम होगा, संट कैपेसिटेंस भी उतना ही कम होगा। ठीक, ये होता है ना संट कैपेसिटेंस, तो जितना के की वैल्यू हमारी जितनी कम होगी, संट कैपेसिटेंस उतना ही कम होगा। बात समझ में आ गई, ठीक, तो K का मान, तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी की वैल्यू K इक्वल टू, मतलब K पर निर्भर करती है। K का मान जितना कम होगा, संट कैपेसिटेंस का मान भी उतना ही कम होगा। क्यों? क्योंकि देखो, जो हमारा जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन जो यहाँ पर क्या है, अनइक्वल था, असमान था, वो किसके कारण था, इसके कारण था। ठीक, क्योंकि करंट हमारी क्या है, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी,
ये जो करंट जा रहे थे ना, यहाँ भी जा रही थी कुछ करंट, ठीक। तो इस संट कैपेसिटेंस के कारण जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था वो हमारा असमान या अनइक्वल हो रहा था, ठीक ठीक है। तो अगर हम इस संट कैपेसिटेंस को क्या कम कर दें, किसी तरीके से इस संट कैपेसिटेंस को कम कर दें, तो हमारी क्या है वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, लगभग समान हो जाएगा, ठीक भाई। इस शंट कैपेसिटेंस के कारण ही तो हमारा वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन असमान हो रहा था, जिसकी वजह से वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन असमान होने के कारण क्या हो रहा था, हमारा इफ़िशेंसी कम हो रही थी भाई। वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन असमान हो रहा तभी तो इफ़िशेंसी कम हो रही थी, स्ट्रिंगिश इफ़िशेंसी। और वो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन किसके कारण असमान हो रहा था, अनइक्वल हो रहा था, इस शंट कैपेसिटेंस के कारण। तो यदि हम कैसे ही करके इस शंट कैपेसिटेंस को ख़त्म कर दें या बहुत कम कर दें, तो यहाँ पर वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन लगभग समान हो जाएगा, जिससे स्ट्रिंग एफिशिएंसी हमारी इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक। के का मान जितना कम होगा संट कैपेसिटेंस का मान उतना ही कम होगा, जिससे वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन प्रत्येक डिस्क पर ज़्यादा यूनिफॉर्म होगा, ठीक। जिससे क्या होगा, अब एक संट कैपेसिटेंस का मान कम हो जाएगा तो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, ज़्यादा यूनिफॉर्म होगा हमारा, मतलब ज़्यादा एक समान होगा, ठीक है ठीक है। के का मान संट कैपेसिटेंस को कम करके घटाया जा सकता है, बात समझ में आ गई। तो संट कैपेसिटेंस को अगर हम कम कर देंगे तो के का मान घटाया जा सकता है, संट कैपेसिटेंस को लॉन्ग क्रॉस आर्म का यूज़ करके घटाया जा सकता है, ठीक। ठीक है, संट कैपेसिटेंस को लॉन्ग क्रॉस आर्म का यूज़ करके घटाया जा सकता है, बात समझ में आ गई। तो यदि देखो संट कैपेसिटेंस कहाँ होता है भाई, इस टॉवर, ये टॉवर क्या मेटल का बना रहता है और ये एक मेटल लिंक है, तो इस टॉवर और ये इन दोनों के बीच क्या है, एयर के कारण क्या होता है, कैपेसिटर का निर्माण होता है। अगर हम लॉन्ग क्रॉस आर्म इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा बड़ी क्रॉस आर्म यूज़ करेंगे, तो भाई इन दोनों के बीच का क्या गैप बढ़ जाएगा ना, ठीक। इन दोनों के बीच का दूरी जो है बढ़ जाएगी, ठीक भाई। इस टॉवर और मेटल लिंक, अगर हम लॉन्ग क्रॉस, ये क्रॉस आर्म है अभी इतना है, अगर हम इतना यूज़ कर लें, यहाँ तक यूज़ कर लें क्रॉस आर्म, तो भाई इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, बढ़ जाएगी ना, दोनों मेटल लिंक के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, ठीक, बात समझ में आ गई। तो सी इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन ए अपॉन डी। अगर दूरी ये क्या होती है, डी क्या है, डी क्या होती है, प्लेट के बीच की दूरी, ठीक है। तो अगर दूरी को बढ़ा देंगे तो कैपेसिटेंस का मान कम हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होती है, दो प्लेट के बीच की दूरी होती है, तो अगर दूरी को बढ़ा देंगे तो कैपेसिटेंस का मान कम हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरीके से इन दोनों की दूरी कैसे बढ़ेगी, अभी इतना क्रॉस आर्म अगर हम लॉन्ग कर लें, इतना लॉन्ग करने से डबल कर लें मान लो, ठीक, तो क्या होगा, दूरी बढ़ जाएगी, जिससे कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। तो लॉन्ग क्रॉस आर्म का यूज़ करके हम संट कैपेसिटेंस को कम कर सकते हैं, बात समझ में आ गई। तो संट कैपेसिटेंस हमारा जब कम होगा तो के की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है ठीक। और जब के की वैल्यू कम हो जाएगी तो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या होगा, लगभग यूनिफॉर्म हो जाएगा, लगभग समान हो जाएगा, जिससे स्ट्रिंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, बात समझ में आ गई। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बात समझ में आ गई, ठीक। प्रैक्टिकली के का मान केवल 0.1 तक ही बढ़ाया जा सकता है, ठीक। प्रैक्टिकली जो के का मान है ना, मैक्सिमम 0.1 तक ही रह सकता है, ठीक, मैक्सिमम इतना रह सकता है के का मान, ठीक। तो ये क्या था हमारा पहला मेथड था स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने का, क्या, लॉन्ग क्रॉस आर्म यूज़ कर। अब देखो इसका क्या एक डिसएडवांटेज है, इस मेथड का ये एक डिसएडवांटेज ये है कि भाई अगर हम लॉन्ग क्रॉस आर्म यूज़ करेंगे, बड़ा क्रॉस आर्म यूज़ करेंगे, तो सबसे बड़ी बात ये मटेरियल जो है लॉन्ग क्रॉस आर्म के लिए, भाई मटेरियल ज़्यादा लगेगा भाई, बड़ी क्रॉस आर्म बनाएंगे तो मटेरियल ज़्यादा लगेगा ना, बात समझ में आ गई भाई। जब अभी इतनी है, इससे दुगनी करेंगे तो मटेरियल दुगना लग जाएगा लॉन्ग क्रॉस आर्म के लिए, तो क्या है, इससे कॉस्ट बढ़ जाएगी। और फिर देखो अगर क्रॉस आर्म लॉन्ग यूज़ करेंगे हम, तो लोड बढ़ जाएगा ना, एयर का प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक, और इस पोल पर, ये टॉवर पर भी लोड बढ़ जाएगा भाई। अभी ये टॉवर हमारा ऐसा है, ठीक, अभी ये है इतना है, ठीक।
अब क्रॉस आर्म इतनी हो गई तो इस पर लोड बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्रॉस आर्म इतनी बढ़ गई दुगनी हो गई तो इस टॉवर पर भी लोड बढ़ेगा, ठीक टॉवर पर लोड बढ़ेगा तो इसकी भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी हमें भाई, टॉवर पर लोड बढ़ेगा ना लॉन्ग लॉन्ग क्रॉस भाई, जाहिर सी बात है इससे दुगनी यूज़ कर रहे हैं तो मटेरियल दुगना लगेगा क्रॉस आर्म का, तो एक तो क्रॉस आर्म का मटेरियल दुगना लगेगा, इसकी कॉस्ट बढ़ी, ऊपर से भाई इस पर लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा, मैकेनिकल स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है तो क्या है इसको भी हमें क्या मैकेनिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा तो इसकी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो ये क्या है अन इकोनॉमिकली होता है, ये मेथड बहुत इकोनॉमिकली हो जाता है, इससे कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, इसलिए नॉर्मल रूप से जनरली ये वाला मेथड यूज़ नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई क्यों क्यों यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, एक तो इसका लॉन्ग क्रॉस आर्म बढ़ाएंगे इसके मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक इसका भार बढ़ जाएगा, फिर उसके भार बढ़ने के कारण इस पर टेंशन और बढ़ जाएगी, मैकेनिकली जो इस पर स्ट्रेस लग रही है बढ़ जाएगी, तो क्या इसको भी हमें और मजबूत करना पड़ेगा, जिसके लिए इसका भी मटेरियल ज़्यादा लगेगा, तो पूरी ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक इसलिए ये मेथड यूज़ नहीं करते हैं। ठीक नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है वाई ग्रेडिंग द इंसुलेटर, इंसुलेटर की ग्रेडिंग करके, ठीक ग्रेडिंग मतलब उसके आकार को इंसुलेटर के आकार को घटा या बढ़ाकर उसकी ग्रेडिंग करकर, ठीक बाय ग्रेडिंग द इंसुलेटर दूसरा मेथड है, स्ट्रिंग इफिशेंसी को इम्प्रूव करने का सेकंड मेथड है बाय ग्रेडिंग इंसुलेटर, ठीक चलिए देखते हैं फॉर 100% इफिशेंसी मतलब 100% इफिशेंसी के लिए प्रत्येक डिस्क पर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सेम होना चाहिए, ठीक बात समझ में आ गई, प्रत्येक डिस्क पर वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर सेम होगा, सारे ये डिस्क हैं ना इन पर अगर हमारे क्या सेम होगा, मान लो 100% एफिशिएंसी कब होगी जब प्रत्येक डिस्क पर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा, ये जो है ना ये डिस्क हैं इन पर सब में जो V1 इसकल टू B2 इसकल टू B3 इसकल टू B हो जाएगा, अगर ये हो जाएगा V1 इसकल टू B2 इसकल टू B3 इसकल टू B तब क्या होगा स्ट्रिंग एफिशिएंसी हमारी 100% हो जाएगी, बात समझ में आ गई, ठीक तो अगर हमारा क्या है प्रत्येक डिस्क पर वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो गया तो एफिशिएंसी 100% हो जाएगी, ये कब होगी डीसी के केस में होगी, ठीक लेकिन हम जानते हैं B3 ग्रेटर देन B2 ग्रेटर देन B1 हम जानते हैं कि जी भाई ये कंडक्टर के पास वाली डिस्क है इस पर सबसे ज़्यादा वोल्टेज होता है, B3 क्या है सबसे ज़्यादा है, उससे कम किस पर है सेकंड नंबर के डिस्क पर, और सबसे कम किस पर है जो सबसे ऊपर टॉवर के पास वाली जो डिस्क है क्रॉस आर्म के पास वाली डिस्क है या कंडक्टर से सबसे दूर वाली जो डिस्क है उस पर सबसे कम होता है, ये हमें मालूम है, लेकिन हम जानते हैं बी इक्वल टू क्या होता है बी इक्वल टू होता है क्यू अपॉन सी, ठीक ये क्या चार्ज है, ठीक इसको अगर कॉन्स्टेंट माने हम तो वी क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, ठीक हम ये जानते हैं कि B क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, तो अगर C की वैल्यू अधिक अगर हम कर दें किसी वजह से किसी कारण अगर कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें हम कि हमारी C की वैल्यू बढ़ जाए, ये C की वैल्यू हमारी बढ़ जाए, अगर हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें C की वैल्यू बढ़ जाए कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाए तो हमारा वोल्टेज घट जाएगा, बात समझ में आ गई, हम जानते हैं B इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन C, ये एक फार्मूला होता है, ठीक तो Q अगर हम कॉन्स्टेंट माने तो C क्या हो जाएगा इनवर्सली B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, अगर C को कैसे ही करके बढ़ा दें तो B का मान कम हो जाएगा, मतलब चलो देखते हैं आगे, C का मान बढ़ाने पर B का मान घटता है हमें मालूम है, ठीक यदि हम इस प्रकार की डिस्क यूज़ करें कि सबसे निचली डिस्क मतलब कंडक्टर के पास की डिस्क सबसे बड़ी हो, बात समझ में आ गई ना, अगर हम कंडक्टर के पास वाली डिस्क को सबसे बड़ी डिस्क यूज़ करें मतलब उसके कैपेसिटेंस को बढ़ा दें, कहने का मतलब यही तो है अगर हम किसी ना किसी तरीके से सी का मान बढ़ा दें तो बी का मान कम हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा बी का मान किस पर है भाई कंडक्टर के पास वाली डिस्क पर सबसे ज़्यादा वोल्टेज है, अगर हम ऐसा करें कि भाई कंडक्टर के पास वाली डिस्क क्या है बड़ी डिस्क यूज़ करें सबसे ज़्यादा इस पर स्ट्रेस है तो सबसे बड़ी क्या है
इसको सबसे बड़े आकार का यूज़ करें, तो यही बताया है यदि हम इस प्रकार की डिस्क यूज़ करें कि सबसे निचली डिस्क कंडक्टर के पास की डिस्क सबसे बड़ी हो, मतलब अगर हम ऐसा करें कि इसको सबसे बड़ा यूज़ करें तो ये क्या सी का मान बढ़ जाएगा और इस पर वोल्टेज कम हो जाएगा, ठीक है, इसी रेशो में कि भाई इस पर सबसे ज़्यादा वोल्टेज है तो इसको इसका आकार सबसे ज़्यादा बड़ा कर दें, ठीक, सबसे बड़ी हो, तथा जैसे जैसे ऊपर बढ़ें डिस्क का साइज़ कम होता जाए, सबसे बड़ी ये हो उससे कम ये हो और सबसे कम ये हो, क्यों, सबसे ज़्यादा वोल्टेज इस पर है तो सबसे बड़े साइज की ये लें हम, उससे कम इस पर है तो उससे कम साइज की ये लें, सबसे कम इस पर है तो सबसे कम साइज़ की डिस्क ये लें, तो क्या होगा कैपेसिटेंस ये सबसे इस समय क्या है भाई, इस समय क्या है जब अगर हम ऐसे डिस्क यूज नहीं कर रहे हैं तो प्रत्येक डिस्क का कैपेसिटेंस सेम है, ठीक, सेम है, लेकिन वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, लेकिन इस पर ज़्यादा है अधिक वोल्टेज, इस पर कम है उस पर सबसे कम है, तो अगर हम क्या करें भाई इस पर सबसे ज़्यादा तो इसको सबसे बड़ी डिस्क बना दें, इस पर उससे कम है इसको उससे छोटी और इस पर सबसे कम है इसको सबसे छोटी डिस्क बना दें, ऐसा कर लें, इस तरीके से कर लें भाई कि ये सबसे बड़ी डिस्क है उसके बाद इससे छोटी उसके बाद सबसे छोटी डिस्क यूज़ करना, इस तरीके का अरेंजमेंट बना लें, ये सबसे बड़ी डिस्क, ये छोटी डिस्क और ये सबसे छोटी डिस्क, तो वोल्टेज क्या होगा हमारा कंपनसेट हो जाएगा, ठीक है, हर एक पर वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन लगभग सेम हो जाएगा, बात समझ में आ गई, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हर एक पर लगभग सेम हो जाएगा, ठीक है, अगर ऐसा करें कि सबसे निचली डिस्क कंडक्टर के पास वाली डिस्क सबसे बड़ा कर लें, उससे ऊपर वाली उससे छोटी और सबसे ऊपर वाली सबसे छोटी कर लें, तो इसको कहते हैं इंसुलेटर का ग्रेडिंग करना, ठीक, इंसुलेटर की ग्रेडिंग करना इसको कहते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन लगभग सेम हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ दिखाया गया, देखो क्या करें सबसे ऊपर वाली डिस्क सबसे कम साइज की हो तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लगभग समान किया जा सकता है, अर्थात सी ग्रेटर देन सी टू ग्रेटर देन सी वन, मतलब सी सबसे बड़ी हो जो कंडक्टर के पास वाली डिस्क है वो सबसे बड़ी यूज़ करें, उससे ऊपर वाली उससे छोटी और सबसे ऊपर वाली सबसे छोटी यूज़ करें, तो क्या होगा वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन लगभग सेम हो जाएगा, बात समझ में आ गई, लेकिन इस मेथड की एक डिसएडवांटेज यह है कि अलग अलग साइज़ की डिस्क की ज़रूरत पड़ेगी, इस तरीके की डिस्क की ज़रूरत पड़ेगी, मान लो ये हमारा कोई पोल है, ठीक, ये क्रॉस आर्म है, ठीक, तो ऐसी डिस्क यूज़ करना पड़ेंगी हमें, ये हमारी क्या है सबसे ऊपर वाली पर सबसे कम वोल्टेज है तो इसको सबसे कम साइज का रखेंगे, इस पर उससे इससे ज़्यादा है तो इसको उससे बड़ा रखेंगे, और नीचे वाली पर सबसे ज़्यादा जहाँ कंडक्टर इसको सबसे बड़ा रखेंगे, बात समझ में आ गई, और ये नीचे हमारा कंडक्टर जाएगा, तो ये क्या है इस मेथड की डिसएडवांटेज ये है कि हमें अलग अलग डिस्क की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस तरीके का अरेंजमेंट बन जाएगा, तो ये देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और ये अनइकोनॉमिकली हो जाएगा, ठीक है, ये देखने में भद्दा लगेगा और अनइकोनॉमिकली हो जाएगा, ठीक, काफ़ी बल्क हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हमारा भाई बात आ जाएगी क्रॉस आर्म पर लोड बढ़ जाएगा, ठीक, फिर क्रॉस आर्म की मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगी, फिर भाई जब इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगी फिर टॉवर पर लोड बढ़ेगा, टॉवर की बढ़ाना पड़ेगी, तो इससे ये एक अनइकोनॉमिकली मेथड हो जाएगा, तो ये मेथड भी हम इंसुलेटर की ग्रेडिंग करने का मेथड भी यूज़ नहीं करते हैं, बात समझ में आ गई, अब लास्ट एक और मेथड है, ये सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है, यही यूज़ करा जाता है नॉर्मली, ठीक है, वाई यूजिंग गार्ड रिंग का इस्तेमाल करके, ठीक, आखिरी मेथड है ये वाई यूजिंग गार्ड रिंग, ठीक, गार्ड रिंग का यूज़ करके, गार्ड, ठीक, तो ये को गार्ड रिंग होता क्या है पहले पढ़ लेते हैं, गार्ड रिंग एक मेटल रिंग होता है, ठीक, जो गार्ड रिंग हम यूज़ करते हैं ये एक मेटल रिंग होता है जो कंडक्टर से इलेक्ट्रिकली कनेक्ट रहता है, ठीक है, कंडक्टर से इलेक्ट्रिकली कनेक्ट रहता है तथा बॉटम इंसुलेटर को घेरता है, ठीक है, बात समझना कि बॉटम इंसुलेटर को घेरता है, गार्ड रिंग मेटल फिटिंग तथा लाइन कंडक्टर के बीच कैपेसिटेंस इंट्रोड्यूस करता है, ठीक, देखो ये होता है गार्ड रिंग, ये कैपेसिटर और ये देखो एक मेटल ये जो होता है ना ये होता है गार्ड रिंग, ठीक है, ये पूरा क्या होता है ये कंडक्टर इससे कनेक्ट रहता है, ये गार्ड रिंग होता है, ठीक है ये होता है गार्ड रिंग, ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये गार्ड रिंग होता है, ठीक है,
ये क्या होता है, मेटल रिंग होता है जो कंडक्टर से इलेक्ट्रिकली कनेक्ट रहता है, ये कंडक्टर से इलेक्ट्रिकली कनेक्ट रहता है तथा बॉटम इंसुलेटर को घेरता है, बॉटम इंसुलेटर को घेरेगा, ठीक है। गार्ड रिंग मेटल फिटिंग तथा लाइन कंडक्टर के बीच, ये गार्ड रिंग है, ये क्या कर रहा है, ये मेटल फिटिंग, ये जो ये मेटल फिटिंग जो एक ये है और एक ये है, ये मेटल फिटिंग, बात समझ में आ गई भाई, मेटल फिटिंग जहाँ जहाँ हमारा संट कैपेसिटर बनने है, जहाँ जहाँ संट कैपेसिटेंस बनने था वो वाले मेटल फिटिंग और कंडक्टर, मेटल फिटिंग तथा कंडक्टर के बीच, ये वाले मेटल फिटिंग और कंडक्टर के बीच कैपेसिटेंस इंट्रोड्यूस करता है, ये कैप देखो, इन वाले मेटल फिटिंग और कंडक्टर के बीच क्या कर रहा है, ये कैपेसिटेंस इंट्रोड्यूस कर रहा है, कैपेसिटेंस उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि देखो ये भी एक गार्ड, ये भी एक मेटल है, गार्ड रिंग क्या है, मेटल का रिंग है, ये भी एक मेटल है, ये भी मेटल है, पूरा मेटल तो यही है और मेटल लिंक है ये, तो भाई ये और ये मेटल है, इनके भी एयर है, तो इन ये भी यहाँ भी क्या है, एक कैपेसिटेंस क्रिएट होगा, ये मेटल लिंक है और ये गार्ड रिंग भी एक मेटल है, तो यहाँ भी और इनके बीच एयर है, तो यहाँ भी एक क्या होगा, कैपेसिटेंस क्रिएट होगा, जिस तरीके से ये कैपेसिटेंस क्रिएट हो रहे थे, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये क्या करता है, गार्ड रिंग मेटल फिटिंग तथा लाइन कंडक्टर के बीच कैपेसिटेंस इंट्रोड्यूस करता है या क्रिएट करता है, तथा इस प्रकार कनेक्ट होता है कि शंट कैपेसिटर करंट I1 I2 एक्सेट्रा, मेटल फिटिंग लाइन कैपेसिटर करंट I1 डैश और I2 डैश एक्सेट्रा, क्या मतलब, ये गार्ड रिंग इस तरीके से कनेक्ट होता है कि ये इसकी जो शंट कैपेसिटर की करंट है I1 I2 और इसके द्वारा जो हमारे कैपेसिटेंस क्रिएट हो रहे हैं इनकी करंट है I1 डैश और स्मॉल I1 डैश और स्मॉल I1 I2 डैश, ठीक, के बराबर होती हैं, ठीक। तो ये इस प्रकार कनेक्ट रहता है कि इस शंट कैपेसिटर की करंट और इस वाले कैपेसिटर की करंट एक दूसरे के बराबर होती हैं, ठीक है, इस प्रकार ये कनेक्ट रहता है, बात समझ में आ गई, जितनी करंट ये दोनों होंगी उतनी ही ये दोनों होंगी, ठीक है, के बराबर होती है, जिससे स्ट्रिंग की प्रत्येक डिस्क में सेम करंट फ्लो होती है। अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कंपनसेट करेंगे, ये वाली और ये वाली करंट, ठीक है, बात समझ में आ गई, जिससे स्ट्रिंग की प्रत्येक डिस्क में समान करंट फ्लो होगी। देखो अभी I1 I2 I3 हो रही थी, अब I1 अब क्या है, प्रत्येक डिस्क में I करंट फ्लो हो रही है, बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार कनेक्ट रहते हैं कि ये वाली करंट इसके और ये वाली करंट इसके बराबर होती है, जिससे हमारी इस स्ट्रिंग की प्रत्येक डिस्क में सेम करंट I फ्लो हो रही है, बात समझ में आ गई, जिससे स्ट्रिंग की प्रत्येक डिस्क में सेम करंट फ्लो होती है, जिसके कारण वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन प्रत्येक डिस्क पर सेम होता है, बात समझ में आ गई। इस वजह से क्या रहता है, हमारा प्रत्येक डिस्क पर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है, जिससे स्ट्रिंग इफिशेंसी हमारी इंप्रूव हो जाती है, बात समझ में आ गई। एक बार और दिखा देता हूँ क्या होता है ये, और फिर समझा देता हूँ। गार्ड रिंग एक मेटल रिंग है, जो मेटल रिंग होता है जो कैपेसिटर से इलेक्ट्रिकली वो सॉरी कंडक्टर से इलेक्ट्रिकली कनेक्ट रहता है। ये गार्ड रिंग है, ये मेटल रिंग, ये क्या है, मेटल का बना रिंग होता है जो कंडक्टर, ये कंडक्टर है, इससे इलेक्ट्रिकली कनेक्ट है, ठीक है, तथा बॉटम इंसुलेटर को घेरता है, ये बॉटम वाले इंसुलेटर को घेर रहा है, ठीक। गार्ड रिंग मेटल फिटिंग, ये मेटल फिटिंग है, ठीक, तथा लाइन कंडक्टर के बीच कैपेसिटेंस इंट्रोड्यूस करता है, ठीक, ये मेटल फिटिंग और ये लाइन कंडक्टर है, ठीक। अब इनके बीच क्या कर रहा है, ये गार्ड रिंग क्या कर रहा है, ये वाले कैपेसिटर को इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, ये वाले, बात समझ में आ गई। तथा इस प्रकार कनेक्ट होता है कि ये इस प्रकार कनेक्ट रहता है इस मेटल लिंक से और इससे कंडक्टर से कि सन कैपेसिटर की करंट, मतलब I1 स्मॉल I1 और स्मॉल I2 की करंट, मेटल फिटिंग लाइन कैपेसिटर करंट, ये मेटल फिटिंग लाइन कैपेसिटर करंट स्मॉल I1 डैश स्मॉल I2 डैश, ये वाली करंट स्मॉल I1 डैश स्मॉल I2 डैश के बराबर होती है, बात समझ में आ गई। ये वाली करंट और ये वाली करंट इसके और इसके बराबर होती है, ये इस प्रकार कनेक्ट रहता है गार्ड रिंग, ठीक, जिससे स्ट्रिंग की प्रत्येक डिस्क में सेम करंट फ्लो होती है। अब क्योंकि ये इस प्रकार कनेक्ट होता है कि ये वाली करंट और ये वाली सेम रहती हैं और ये वाली करंट और ये वाली सेम रहती हैं, तो एक दूसरे को कंपनसेट करती हैं, ये बात समझ में आ गई, जिससे क्या होता है प्रत्येक डिस्क में सेम करंट फ्लो होती है। अब I1 I2 I3 फ्लो नहीं होके I फ्लो हो रही है, तो सेम करंट स्ट्रिंग में फ्लो हो रही है, जिससे
वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन प्रत्येक डिस्क पर लगभग समान रहता है, ठीक है, लगभग समान रहेगा, पूरा 100% समान नहीं रहेगा, ठीक है, तो लगभग समान रहता है, ठीक। इससे हमारी क्या है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन प्रत्येक डिस्क पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसको देख लो, ठीक, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रत्येक डिस्क पर, और जिससे हमारी स्ट्रिंग एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो ये थे हमारे स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के कुछ मेथड, और ये वाला लास्ट वाला जो मेथड है ना, गार्ड रिंग, इसी को यूज़ करते हैं, ठीक है, जनरली ऊपर के दो यूज़ नहीं करते हैं, उनके बताए थे क्यों यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, थैंक यू।